बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज रात दौलत वाली तस्वीर पढ़कर सोना सुबह सफेद दाढ़ी वाला शख्स आएगा और दस करोड़ दे जाएगा जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा आजमा कर देख लें मोहतरम नाजरीन रात के वक्त दौलत वाली ये तस्वीर पढ़ के देख लें जिंदगी में किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे आपकी नस्लें आबाद होंगी आज का ये जो वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ जितना पावरफुल वजीफा है मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी आप मुझ पर एतबार हुए इस वज़ीफ़े को करें आपकी समर जाएंगी आपने सिर्फ दो तस्वीर करनी है और इस काम में आपने ज्यादा से ज्यादा दस मिनट से पंद्रह मिनट लगेंगी और जो कमलात हैं वो अपनी आंखों से खुद देख कर हैरान रह जाओगे। जब आप खुद देखोगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया तो आप मुझे दुआएं देंगे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ऐसे जरिए बनेंगे आपकी ऐसे ऐसे गैबी खजानों से मदद होगी कि आप हैरत से देखते रह जाओगे वो लोग भी अदब से और एहतराम से बात करेंगे जो पहले आपके साथ बोलना भी पसंद नहीं करते थे बल्कि बोलना तो दूर वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो दीन फितरत भी है जो आराम आपको बताने जा रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद इन आपके घर में जो भी मसाइल है दौलत को लेकर परेशानियाँ हैं रिश्तों की बंदिश है या जादू टूने के मसायल है इस वजीफे से वो सब हल हो जाते हैं आपका कर्ज का मसला है नौकरी नहीं मिल रही इस अमल को करने की देर है आपकी तमाम परेशानियां ऐसे खत्म होंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं और आपको इतनी दौलत मिलेगी इतनी दौलत मिलेगी कि आपके घर में जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे आपके घर में खुशहाली होगी आपके पूरे घर वाले अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे क्योंकि आजकल दुनिया में आधे से ज्यादा मसायल दौलत के ही हैं इसलिए जब इन अल्लाह की तरफ से आपको बेशुमार दौलत मिलेगी तो आप अच्छी तरह अपनी बीमारी का इलाज करवा सकेंगे आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे माशरे में भी सर उठा कर चलने के काबिल होंगे क्योंकि दौलत से आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी दे सकेंगे आप बेटियों की अच्छी जगह पर शादी करना चाहते हैं आपके पास पैसे नहीं है ये वजीफा करने से आपको ढेर सारी दौलत मिलेगी इसलिए ये वजीफा आपने अच्छी तरह समझ लेना है और अच्छी तरह समझ के आपने इस वजीफे को करना है वीडियो को एक दफा मुकम्मल देख लें आपको वजीफे की मुकम्मल समझ आ जाएगी क्योंकि अगर मुकम्मल समझ के आप वजीफा करेंगे तो फिर ही इसका असर होगा बाद में लोग कहते हैं कि आपने कुछ लिखा था और हमें तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ आप बात को समझते नहीं हैं तो फिर वो वजीफा असर नहीं करता इसमें वजीफे का कोई कसूर नहीं होता बल्कि असल में गलती आप लोगों की होती है आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते कुछ बातें पहले बता दी जाती हैं कुछ दरमियान में बता दी जाती हैं आप अधूरा वजीफा देख लेते हैं और उसके बाद इसको करना शुरू कर देते हैं जब वो असर नहीं करता तो फिर आप यकीन नहीं करते हैं तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है ये बहुत ही ताकतवर वजीफा है वजीफे का तरीका कार आप अच्छे तरीके से जरा जान लीजिए वजीफा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं पाक साफ होकर इस वजीफे को कर लेना है मर्द औरत और दोनों इस वजीफे को कर सकते हैं लेकिन एक शर्त है कि आपने बिल्कुल पाक साफ होना है कामिल वजू होना है जब पाक साफ और बावजू होकर अल्लाह की बारगाह में बैठते हैं तो आपका ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है अपनी सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि सफाई ईमान है लेकिन अगर आप इस वजीफे को किसी नमाज के बाद करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि आपने उस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया होगा अल्लाह की तस्बीर बयान की हुई होगी और अल्लाह का करम आपको हासिल होगा आप पाक साफ भी होंगे तो आप नमाज पढ़ने के बाद भी इस वजीफे को कर सकते हैं जिस वक्त आपको टाइम मिले किसी भी वक्त कर सकते हैं सबसे पहले आपने आऊजिमिन शईफाजी पढ़ लेना है और बिस्मिल्लाम पढ़ने के बाद नबी करीम सल अल वसलम की बारगाह अकदस में दरूज शरीफ का नजराना पेश कर देना है एक दफा पढ़ लें तीन दफा पढ़ लें सात दफा पढ़ लें जितना गुड़ डालू होगे उतना मीठा होगा क्योंकि जब भी कोई वजीफा या दुआ करें तो उसके अव्वल आखिर में दरू शरीफ पढ़ा जाता है उसकी कबूलियत की राह में कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती मगर कबूलियत के दर्जे तक पहुंच जाती है ये दरुशरीफ की फजीलत है एक दफा मेरे साथ भी बरकत के लिए पढ़े अल्लाहन इब्राहिम वब्राहिम का हमद उम मजीद अल्ला बारक आला मुहम्मद आल महमदिन कमाबारक तला इब्राहिम वालब्राहिम वा इनका हमीदम

मतलब ये कि मेरे पास रिस्क इतना नहीं है मैं जो भी कारोबार करता हूँ वो तबाह हो जाता है तो आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम फरिश्तों की तस्वीर नहीं पढ़ते वो तस्वीर जिससे रिज्क तकसीम किया जाता है अल्लाह अल अजीम वो सहाबी तशरीफ ले गए कुछ अरसे के बाद दोबारा वापस आए दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया मेरे पास ऐसे टूट के आई है कि मैं आपको बता नहीं सकता मेरे हमसाये भी जो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं वो भी इतने मालदार हो गए हैं सिर्फ इस तस्वीर की बरकत से आपने इकतालीस मरतबा ये कलेमात पढ़ लेने हैं सुबह अल्लाह सुबहानल्लाजीम डूब कर आपने पढ़ना है कामिल देहान के साथ आपने इसको पढ़ना है और जब आपने ये अमल करना है इस दौरान आपने अपने मकसद को जहन में रखना है और इसके बाद आपने सिर्फ तीन सौ मरतबा अस्तख फिर की एक तस्वीर कर लेनी है अस्तख फिर अजतख फिर

लेकिन इनका पढ़ना नहायत आसान है आमाल के तराजू में बहुत वज़नी हैं दो कलमे कौन से हैं सुबहान अह वमदही सुबहान अजीम जो बंदा भी इस तस्वीर को जिस दिन पढ़ेगा उस दिन के सगीरा गा मिटा दिए जाते हैं चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो सगीरा गुना वो हैं जो छोटे छोटे गुना होते हैं हमारे हाथ से होंगे हमारे कानों से हो गए हमारी जबान से हो गए जब गुनाहों की आपको मुआफ़ी मिल जाती है तो अल्लाह की बरकतें आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगी आपकी हाजतें पूरी होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसतफफार 300 सौ मरतबा पढ़ दोबारा दरूसरी पढ़ लेना है दरुद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगनी है दुआ में भी आपने दरुद शरीफ पढ़ना है अल्लाह पाक से मांगना शुरू कर देना है जो भी आप मांगेंगे इन कलेमात की बरकत से अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता जब तक आप पांच वक्त की नमाज अदा नहीं करेंगे तो आप लाख वजीफे कर लें आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा तो इसलिए ये शर्त है कि आपने पांच वक्त की नमाज भी अदा करनी है और मेहनत भी करनी है अपने काम के लिए और इस वजीफे को भी जारी रखना है इनशा देखना कि कैसे आपका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होता चला जाएगा अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो आमीन सुम आमीन नादरीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह तिनवे नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें